हेलो एंड वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम बनाएंगे आलू बेसन के सेव। इसके लिए सबसे पहले हमें कुछ उबले हुए आलू चाहिए, जिनको हम बहुत अच्छे से मैश कर लेंगे, इसमें गुठलियाँ ना रहें। यहाँ पे हम लेंगे 2 बड़े चम्मच बेसन। अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा लाल मिर्च का पाउडर, थोड़ी सी अजवाइन, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, थोड़ा सा हल्दी पाउडर। मोहन के लिए इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच तेल, नमक स्वाद अनुसार, और इन सारी चीज़ों को हम आपस में बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमें ये बेसन का आटा बिना पानी के ही गूंथना है, इसीलिए हमें आलू आवश्यकता अनुसार लेने हैं, जितने में कि आटा गूंथ जाए, क्योंकि हम ये बेसन का आटा उबले हुए आलुओं से ही गूंथेंगे। हमें बेसन को गूंथ के नरम तैयार करना है। ये बेसन थोड़ा गीला हो चुका है, हम इसमें अलग से थोड़ा सूखा बेसन ऐड करेंगे और इसे अच्छे से गूंथ लेंगे। बेसन हमारा तैयार हो चुका है, देखिए हमने बहुत नरम इसको तैयार किया है। नरम होगा तो इसके सेव ज़्यादा। ये कढ़ाई हमने चढ़ा दी, तब तक हम कद्दूकस में तेल लगा लेते हैं, जिससे कि सेव बहुत अच्छे झड़ेंगे। हमें कद्दूकस पर बहुत अच्छे से तेल लगाना है, ताकि सेव को निकलने में कोई दिक्कत ना हो। अब हम जो हमने बेसन तैयार किया था गूंथ के, इसका एक छोटे से लोई बना करके ले लेंगे। कढ़ाई बहुत अच्छे से हो चुकी है और अब हम इसको कुछ इस तरीके से कद्दूकस पे रख के इसके सेव गिराएंगे। हमें मीडियम आंच पे सेव बनाने हैं, अगर ज़्यादा तेज आंच पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगे। इस तरीके से हम पूरी कढ़ाई में इधर उधर हटा करके सेव झाड़ लेंगे। हमें एक ही जगह पे नहीं गिराना है, कद्दूकस को इधर उधर थोड़ा सा कर लेंगे। और ये देखिए हमने डाल दिए, ये हल्के से हो चुके हैं। अब हम इन्हें पलट के देख लेते हैं, सेव पूरी तरीके से हो चुके हैं। अब हम इन्हें कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं और इसी तरीके से बाकी के भी बना लेंगे। इन्हें भी अब हम पलट के देख लेते हैं, ये सेव भी लगभग हो चुके हैं, इन्हें अब हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेते हैं। सेव हमारे एकदम बन के तैयार हो चुके हैं, ये सेव हमारे बहुत ही कुरकुरे और स्वादिष्ट बने हैं। आप इन्हें गर्मा गर्म चाय के साथ सर्व करिए, ये चाय के साथ बहुत ही अच्छे लगते हैं।